नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्षत्रिय कटिक समाज उत्थान समिति बूंदी द्वारा नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर छात्रावास निर्माण हेतु निशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग का मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। समिति के अध्यक्ष शंकरलाल बसवाल ने बताया कि कटिक समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। इस समाज के छात्र छात्राएं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। क्षत्रिय कटिक समाज उत्थान समिति पिछले 10 वर्षों से जिला मुख्यालय पर छात्रावास निर्माण हेतु निशुल्क भूमि के लिए संघर्षरत व प्रयासरत है। जिला स्तर के हर अधिकारी जनप्रतिनिधियों को इस बारे में कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया, यहां तक कि जिला कलेक्टर महोदय और प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, परंतु आज तक निशुल्क भूमि आवंटन के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से समाज में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश के कारण आज समाज के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, छात्र छात्राएं, समाज बंधु सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल बूंदी में एकत्रित हुए और यहां से जोरदार नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा और स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर खटिक समाज को छात्रावास हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई तो समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु, जिनमें अपना मित्र परिषद प्रभारी गोपाल लाल मर्मा, खटिक महासभा जिला अध्यक्ष राजेश खटिक, रमेश चंद्र टेपन, मनोज खटिक, छित्तरलाल, राम गोपाल खींची, राम जीवन चौहाला, राजेंद्र खींची, कस्तूर चंद्र, वीरेंद्र बम्बेरुला, सत्यनारायण बसवाल, बाल मुकुंद, बाल किशन राकेश, राधा किशन जी, राजेंद्र जी खींची, राधेश्याम बागड़ी, तरुण खरेड़िया, धीरज मुकुट बिहारी पगुलिया, शिवराज खींची, हितेश खींची, सुमित आर्य, राम सहाय, राम नारायण, गजानन साकला, महावीर खींची, भवर सामरिया, डॉक्टर कन्हैयालाल युगल, बजरंग खरेड़िया, सरोज खरेड़िया, भवर कला, निर्मल मधु, संतोष, राम प्यारी व आदि सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष शामिल रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।
जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रावास की भूमि आवंटित करो, आवंटित करो, आवंटित करो। आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है। ये मांग छात्रावास की भूमि के लिए केवल आज नहीं उठी है, 2003 से हम इस बात को लगातार उठाते आ रहे हैं। 2003 में हमने तत्कालीन कलेक्टर साहब को के निर्देशों के अनुसार यह फाइल जमा कराई हुई है। उस फाइल को उन्होंने व्यक्ति की टोकरी में डाल दिया है। उसके पश्चात अभी लेटेस्ट ही मार्च में हमने फाइल लगाई है और वो फाइल भी नियमानुसंगत नियमों के अंतर्गत लगाई है। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के निर्णय के अनुसार जो 2015 में भूमि आवंटन नीति बनी हुई थी, उसमें राज्य सरकार ने समाजों का भला करने के लिए जिनके पास छात्रावासों के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं थे, सुविधा नहीं थी, उनके लिए ये कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर 23 मार्च 2022 को सारे कागजात लगा करके जितने भी उसमें आवश्यक थे वो सब पूर्ति करके हमने नगर परिषद में दी। उसके पश्चात नगर परिषद में हम 3-3, 4-4 बार पशु कर चुके। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने 3 बार पशु कर दिया। अभी हाल ही में 31 तारीख को अक्टूबर को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था। उस पर भी हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इस चीज़ को डाला हुआ है और वहाँ से जवाब आता है। आज कल ही फोन आया था हमारे माननीय शंकर लाल जी बसवाल, जो इस कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पास आया था कि साहब वहाँ से जवाब आया है कि हमारे पास भूमि नहीं है। सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। भूमि हमने चिन्हित करके दी हुई है। इनके पहले जो माननीय जिला कलेक्टर मोदी थी यहाँ पर, उन्होंने हमसे कहा था कि आप चिन्हित करके दीजिए और हम आपको भूमि उपलब्ध कराएंगे। उसके पश्चात हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू प्रशासन से संपर्क करके और भूमि चिन्हित किए। उसके पश्चात भी और उस भूमि का कसर नंबर है खंड में और जिसका लगभग 3 हेक्टर से भी ऊपर का उसका रकबा है, यानी कि 24-25 बीघा जमीन वो वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर ये फिर भी ये लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दादा सही नहीं चलेगा। 2005 की जो भूमि आवंटन नीति थी उसमें राज्य मंत्रिमंडल ने 5.10 उसमें एक क्लिप जोड़ा है। उसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए योजना में अलाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन करने के संबंध में नगर परिषद क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने का के लिए इनको अधिकृत किया हुआ है। उसके बावजूद ये 1500 वर्ग मीटर भूमि कितनी सी होती है, 1 बीघा भी भूमि नहीं होती है, जबकि हमने 25 बीघा भूमि का कसर नंबर इनको चिन्हित करके दिया हुआ है। अगर ये चाहे, इनके मन में मलिनता नहीं हो, इनके मन में समाज के प्रति द्वेषता नहीं हो, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं हो, तो ये वहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन हमें इधर से उधर चक्कर दिला रहे हैं, मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रावास की भूमि आवंटित करो, आवंटित करो, आवंटित करो। छात्रावास की भूमि आवंटित करो, आवंटित करो, आवंटित करो। जिला प्रशासन से हमें ये अपेक्षा नहीं है कि इतना बड़ा सफेद झूठ बोल करके उस मुख्यमंत्री पोर्टल पर गलत जवाब दिया जाए। इसका भी हम और ज्यादा पुरजोर तरीके से इसका भी विरोध करेंगे। और अगर फिर भी हमारे समाज को छात्रावास के लिए भूमि नियमानुसार मांग रहे हैं, हम किसी का गला काट करके या किसी का हक छीन करके नहीं मांग रहे हैं। यह हमारा अधिकार है, राज्य सरकार ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है। इतनी सारी भूमि और समाजों के लिए तो सबके पास है। जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनको तो आप नियमित कर रहे हो, उनको तो आप अलॉटमेंट लेटर बाद में जारी कर रहे हो, और हम नियमानुसार आवेदन कर रहे हैं। उसके पश्चात समाज को भूमि उपलब्ध कराने में देर सवेर आनाकानी की जा रही है, और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनके नाम नगर परिषद ने पट्टे बनाने शुरू कर दिए हैं और कुछ के बन भी गए हैं। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करे, बंद करे, बंद करे।
आज हमारे सब कटिक समाज के बंधु छात्रावास भूमि आवंटन के लिए ये संघर्ष और ये रैली और ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को देने के लिए आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन कलेक्टर साहब के द्वारा दिया जाना है। और इससे पूर्व भी 2003 में भी समाज ने छात्रावास की भूमि के लिए आवंटन किया था। उसके उपरांत ये अभी मार्च में भी हमने नगर परिषद को जो अधिकार दिया है राज्य सरकार ने, उसके तहत हमने फाइल लगाई हुई है। तीन तीन चार चार बार हम इनसे मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से, नगर प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन से और रेवेन्यू प्रशासन से, सब इधर से उधर गुमराह करने पर तुले हुए हैं। मजबूरन हमें ये आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विवश होना पड़ रहा है। आगे जो कार्रवाई नहीं होती है, आगे अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के बंधुओं के सहयोग से हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े। इस तरह के हम इस आंदोलन को और उग्र करते हुए हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। और आपका नाम और पद? मेरा नाम गोपाल लाल वर्मा है, मैं अपना मित्र परिषद खटीक समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और इस समिति खटीक समाज उत्थान समिति में सहायक संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं सरोज खरेड़िया, हट्टीपुरा स्कूल से हूँ। मैं आज यहाँ क्या है? आज यहाँ पे हमारे क्षत्रिय खटीक समाज की ओर से बूंदी में, बूंदी जिले में एक भी छात्रावास नहीं है, उसकी बूंदी जिले में छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इससे पहले भी तीन चार बार हमारे अध्यक्ष साहब द्वारा और सह संयोजक द्वारा कई बार कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर भूमि आवंटित नहीं की गई है। कलेक्टर साहब के कहे अनुसार, जो पूर्व में हमारे कलेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप हमें भूमि चिन्हित करके बताएं। अध्यक्ष साहब ने भूमि चिन्हित करके बता दी, उसके बावजूद भी हमें अभी तक भी भूमि आवंटित नहीं की गई है। तो कृपया करके हमें जल्द से जल्द हमारे खटीक समाज के भाई बंधुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए भूमि आवंटन करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांग अभी पूरी नहीं की गई तो हम आगे इस आंदोलन को और उग्र रूप देंगे और सभी समाज की महिला बंधु और बच्चे सभी इसमें शामिल होंगे और अधिक से अधिक संख्या में और ज्यादा तीव्र इस आंदोलन को हम बढ़ाएंगे। शंकर लाल बसवाल, खटीक समाज जिलाध्यक्ष। आज हम जो है न मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए, खटीक समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए भूमि आवंटन हेतु इकट्ठे हुए, ज्ञापन दिया गया है। और इसके लिए हमने पहले जो जिला कलेक्टर महोदय जी द्वारा बताई थी उसके अनुसार ही हमने पत्रावली नगर परिषद में जमा कराई है, लेकिन अभी तक भूमि देने की कार्रवाई नहीं की। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है मुख्यमंत्री के नाम, उसमें भी उन्होंने, उनका जवाब आया है अभी मेरे पास परसों, उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास नगर परिषद क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा भाई भूमि तो हमने चिन्हित करके उनको तीन पॉइंट, जो आपने भूमि चिन्हित की है वो किसी के कब्जे में है? किसी के कब्जे में नहीं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कुंभ स्टेडियम के पास जो चिन्हित भूमि हमने 3.1 जो हेक्टर है, 16.5 बीघा जमीन है, उसके लिए चिन्हित करके बताया था। अरे आज वो किसी के नाम में आवंटन नहीं है और खाली पड़ी हुई है। शिवाचक नगर परिषद सभापति का क्या कहना? वो जब भी मिलते हम दिलाएंगे आपको, वो तो यूँ कहते हैं हम भूमि दिलाएंगे। और जब राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जब हमने डाली सीएम को, तो उनको जवाब देते हैं कि हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है, ये कहते मतलब कंट्रावर्सी हो रही है एक तरह से। आगे क्या?